क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला प्रिंटिंग मशीन जर्मनी में बनाया गया था। इस प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जोहान गुटेनबर्ग ने सन 1439 ईस्वी में किया था। ये प्रिंटिंग मशीन रोजाना 1000 से ज्यादा पेज की छपाई कर सकती थी। इसके पहले छपाई की जो तकनीक थी उससे दिन भर में सिर्फ 40 से 50 पेज ही प्रिंट हो पाते थे। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर की बात करें तो दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जापान में बना था। इसे एप्सन कंपनी ने सन 1969 में दुनिया के सामने रखा था। इस प्रिंटर का नाम AP-101 रखा गया था। यह एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। अगर हम लेजर प्रिंटर की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल लेजर प्रिंटर IBM कंपनी के द्वारा 1976 में लॉन्च किया गया। इस प्रिंटर का नाम IBM 3800 रखा गया था, जो 215 पेज पर मिनट की रफ्तार से प्रिंट कर सकता था। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कलर प्रिंटर की बात करें तो दुनिया का पहला कलर प्रिंटर जापानीज कंपनी मिटुस्टर कॉर्पोरेशन के द्वारा 1976 में बनाया गया, लेकिन वह एक प्रोटोटाइप था।